Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to see a case study on balance scorecard. राइट, मैं आपको केस स्टडी एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा बहुत लिखवाऊंगी पॉइंट्स, लेकिन आपके पास पूरा का पूरा केस स्टडी सॉल्व किया हुआ है किसमें, नोट्स में. आपको समझना इंपॉर्टेंट है, लॉजिक्स बताऊंगी क्यों कैसे ये बताऊंगी. हेल्थ केयर हॉस्पिटल प्रोवाइड्स मेडिकल केयर टू पेशेंट्स टू ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एट नॉमिनल कॉस्ट. हॉस्पिटल हैज़ बिन ऑपरेटिंग फॉर द लास्ट 15 ईयर. इट गेट्स ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट हेल्प्स इट सस्टेन इट्स ऑपरेशंस. ईच ईयर एन एनुअल रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द ऑफिशियल्स इन द हेल्थ मिनिस्ट्री दैट इज इन चार्ज ऑफ गिविंग आउट ग्रांट्स टू द हॉस्पिटल. हेल्थ केयर क्या प्रोवाइड करता है? मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है टू पेशेंट्स ऑफ ऑल स्ट्रेटा नॉमिनल चार्ज पे. लास्ट 15 ईयर से ये सर्विसेज दे रहा है, राइट. और ये इसको ग्रांट किससे मिलती है? गवर्नमेंट से मिलती है टू सस्टेन इट्स ऑपरेशन. और हर साल उसको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है हेल्थ मिनिस्ट्री को, ताकि उसको क्या मिले? ग्रांट मिले. ईच ईयर ओवर द लास्ट 15 ईयर्स ग्रांट्स गिवन टू द हॉस्पिटल हैज बीन इंक्रीजिंग. दिस इंक्रीमेंट वॉज फाउंड नेसेसरी टू मीट द इंक्रीज इन ऑपरेशनल कॉस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन. हर साल जो हॉस्पिटल को ग्रांट दी जा रही है वो इंक्रीज हो रही है. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट भी क्या हॉस्पिटल्स के बढ़ रहे हैं, राइट. While operations have been moderately successful in the recent years, the grant committees of the opinion that the hospital can manage its fund better. Operation जो जितने भी हॉस्पिटल है उनके ऑपरेशन सक्सेसफुल है मॉडरेटली, लेकिन कमिटी बोलती है कि वो अपने फंड्स बेटर मैनेज कर सकते हैं हॉस्पिटल. टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ केयर हॉस्पिटल इज बीइंग कंपेयर्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ अनदर गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल विद इन द सेम सिटी, लाइफलाइन हॉस्पिटल. एक जो हॉस्पिटल है हेल्थ केयर हॉस्पिटल, ये हमारा है, राइट. तो उसको बेंचमार्क किससे किया गया? एक और हॉस्पिटल है लाइफलाइन हॉस्पिटल सिटी में, उससे बेंचमार्क की गई उसकी परफॉर्मेंस. किसकी? हेल्थ केयर हॉस्पिटल की. बोथ हॉस्पिटल्स हैव सिमिलर स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड गेट द सेम अमाउंट ऑफ ग्रांट. दोनों के ऑपरेशन सिमिलर लेवल के हैं और सेम ग्रांट मिलता है दोनों को. गिवन बिलो आर सम ऑफ द पैरामीटर्स दैट आर ट्रैक्ड एट बोथ हॉस्पिटल्स, राइट. पैरामीटर दिए हुए हैं, बजट, हमारा जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल है उसका बजट एक्चुअल और लाइफलाइन का एक्चुअल. टोटल इन पेशेंट्स, इन पेशेंट्स मतलब जो एडमिट होते हैं, 1,10,096,000 और एक्चुअल लाइफलाइन का 1,00,000. डिले इन एडमिशन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, राइट. बेड्स की अनअवेलेबिलिटी के कारण जो पेशेंट्स को एडमिट का डिले हुआ. नंबर ऑफ इन पेशेंट्स वेटिंग फॉर मोर देन 1 वीक, 1 वीक से ज़्यादा डिले हुआ, राइट. 1100 बजट था, 2,880 एक्चुअल हुआ और लाइफलाइन हॉस्पिटल में सिर्फ ऐसे 500 पेशेंट्स हैं. और जिनका 2 वीक का वेटिंग है, बजट के हिसाब से 0 होना चाहिए था, एक्चुअल 960 है. लाइफलाइन हॉस्पिटल में ऐसे कोई पेशेंट नहीं है. टोटल आउट पेशेंट्स, कितने आउट पेशेंट्स मतलब जो चेकअप के लिए आते हैं सिर्फ एडमिट नहीं होते, 90,000 बजट था, 95,000 आए. लाइफलाइन हॉस्पिटल में 93,000. डिले इन अपॉइंटमेंट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल स्टाफ, जो आउट पेशेंट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट में डिले हुआ क्योंकि मेडिकल स्टाफ कम है. नंबर ऑफ आउट पेशेंट्स वेटिंग फॉर मोर देन 1 वीक, 900 बजटेड, 1900 एक्चुअल, लाइफलाइन का 465 एक्चुअल. 2 वीक से ज़्यादा वेटिंग है, बजटेड के हिसाब से 0, 475 एक्चुअल पेशेंट्स है. लाइफलाइन में ऐसे कोई पेशेंट नहीं है. सो बेसिकली हम अभी तक आप देखिए ये जो वेटिंग वगैरह हैं, ये लाइफलाइन के एक्चुअल कितने कम है हमारे एक्चुअल से. वो हमसे कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म कर रहा है, राइट. इवन हमारे बजटेड से भी कम है, हमने बजट इतना बनाया है उसका, तो एक्चुअल हमारे बजटेड से भी कम है. नंबर ऑफ इमरजेंसी एडमिशन 400 एक्सपेक्टेड थे, बजटेड 600 एक्चुअल हुए, लाइफलाइन में एक्चुअल 500. डिले इन प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू इमरजेंसी एडमिशन, इमरजेंसी में जो एडमिशन हुआ उनको डिले हो गया मेडिकल केयर. ये उनको उनके यू नो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इसलिए बजट के हिसाब से 0, लेकिन 5 पेशेंट्स का डिले हुआ. लाइफलाइन में ऐसे कोई पेशेंट नहीं है. नंबर ऑफ मेडिकल स्टाफ शॉर्टेज, पोजिशन नॉट फिल्ड फॉर मोर देन 1 मंथ, मेडिकल स्टाफ का शॉर्टेज है, 1 महीने तक वो वैकेंसी फिल नहीं हुई. ऐसे 3 बजटेड है, 5 वैकेंसी है, लाइफलाइन में 1 ही वैकेंसी है. कैंसल्ड और डिले ऑपरेशन ड्यू टू नॉन क्लिनिकल रीजन, कैंसल्ड या फिर डिले ऑपरेशन नॉन क्लिनिकल रीजन की वजह से एक्सपेक्टेड 5 थे, 20 हुए और लाइफलाइन में 6 ऐसे केसेस है. नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव रिलेटेड टू मेडिकल केयर, मेडिकल केयर से रिलेटेड कंप्लेंट्स 500 बजट, 1350 एक्चुअल, लाइफलाइन में 600 एक्चुअल. नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिजॉल्व विद इन 15 डेज, जो कंप्लेन आई वो रिजॉल्व कितनी हुई? बजटेड तो था कि पूरी रिजॉल्व हो जाए, लेकिन 1350
में से 1080 रिजॉल्व हुई और लाइफलाइन में से 600 में से 550 रिजॉल्व हो गई. नंबर ऑफ डेथ पोस्ट ऑपरेशन, राइट, जितने भी एडमिटेड थे उसमें ऑपरेशन के बाद कितनी डेथ हुई, 4400. लेकिन दिस इज गुड कि हमारा एक्चुअल डेथ रेट कम है 2000, लेकिन फिर भी लाइफलाइन से कम नहीं है. नंबर ऑफ मेडिकल नेगलिजेंस केस 2 बजटेड थे और 5 एक्चुअल केसेस जो लॉस्ट हुए. 2 बजटेड थे, 5 लॉस्ट हुए, मतलब हम ये जगह गलत थे, नेगलिजेंस हुआ है. लाइफलाइन में एक्चुअली में कोई भी ऐसे केसेस लॉस्ट नहीं हुए. नंबर ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन, अगर आप ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन ही गलत करोगे तो ये पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है. 15 बजटेड थे, बजटेड एक्चुअली 15 भी नहीं होनी चाहिए, क्यों प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग होना चाहिए, राइट. और 10 एक्चुअली में लाइफलाइन के. नंबर ऑफ इन्फेक्शन, 1 भी बजटेड नहीं थे, 2 इन्फेक्शन हुए, लाइफलाइन में 1 भी ऐसा इन्फेक्शन ब्रेकआउट नहीं हुआ. बेड ऑक्यूपेंसी रेट 90%, मतलब जितने बेड है उसमें से कितने ऑक्यूपाइड हैं, 85% एक्चुअल और लाइफलाइन में 94. एवरेज पेशेंट स्टे 4 डेज एक्सपेक्टेड था, 6 डेज रहते हैं और लाइफलाइन में 5 डेज. ये आपको डेटा दिया हुआ है. ऑपरेटिंग थिएटर का यूटिलाइजेशन रेट 95% होना चाहिए था, 90% है एक्चुअल में, लाइफलाइन का 95% है. रेवेन्यू इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ग्रांट इन क्रोर्स, रेवेन्यू गवर्नमेंट ग्रांट को मिला के 15 एक्सपेक्टेड था, 13 ही है और लाइफलाइन में 16 है, ज़्यादा है हमारे बजटेड से भी. एक्सपेंस कितने, 12 एक्सपेक्टेड थे, 12 हुए, राइट, और लाइफलाइन के भी 12 है, तो उसका प्रॉफिट कितना आ गया, 4 आ गया, हमारा प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ ही आएगा. ROI 8% एक्सपेक्टेड था, सिर्फ 5% है, लेकिन लाइफलाइन का तो हमारे बजटेड से भी ज़्यादा है, 9% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. स्टाफ ट्रेनिंग के आज 500 होने चाहिए थे, 500 है एक्चुअल में, लाइफलाइन के 600 आज है. रिसर्च पब्लिकेशन 5 बजटेड थे, सिर्फ 3 पब्लिकेशन है और लाइफलाइन के 6 पब्लिकेशन है, बजटेड से भी ज़्यादा, राइट. सो बेसिकली कहीं ना कहीं हमने देखा कि लाइफलाइन हमसे बेटर परफॉर्म कर रही है. अब आगे, बोथ हॉस्पिटल हैव 50 वार्ड्स विथ 10 बेड्स इन ईच वार्ड, राइट. 50 वार्ड्स है, 10 बेड्स है हर एक वार्ड में, राइट, मतलब बेसिकली 500 बेड्स है. ईच हॉस्पिटल हैज 50 डॉक्टर्स फ्रॉम वेरियस स्पेशलिटीज एंड 75 नर्सेज. बोथ हॉस्पिटल्स वर ओपन ऑल डेज ऑफ द ईयर. नाउ रिक्वायर्ड, the grant committee wants to analyze performance of both hospital with respect to, grant committee ko analyze karna hai performance of both the hospital, access to services, clinical performance, efficiency of operation, financial management or innovation. In 5 heads mein dono uski performance ko wo evaluate karna chahti hai. While preparing the balance scorecard, how will you categorize the above performance measure, right. Now first, access to services. Access to services mein kya kya aayega, matlab medical care jo hum de rahe hain पेशेंट्स को एक्सेस कितना है, राइट, जो हमारे हॉस्पिटल मेडिकल केयर दे रही है, फैसिलिटीज दे रही है, तो एक्सेस कितना है पेशेंट्स को उन सर्विसेज का, तो वो किस बेसिस पे होगा. डिले इन एडमिशन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, राइट. फिर दूसरा क्या होगा, डिले इन अपॉइंटमेंट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल स्टाफ, राइट, ये सर्विसेज है हमारी. नंबर ऑफ इमरजेंसी एडमिट, ये डिले इन प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू इमरजेंसी एडमिशंस, क्योंकि ये सर्विसेज हम दे रहे हैं. फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टाफ शॉर्टेज, ये कैसे, क्योंकि हम जब सर्विस दे रहे हैं स्टाफ शॉर्टेज होगा तो सर्विस अच्छे से नहीं दे पाएंगे, और कैंसल्ड और डिलेड ऑपरेशन, राइट, क्यों, क्योंकि देखिए जब हम सर्विस दे रहे हैं तो पहला तो अगर एडमिशन में डिले है तो सर्विस अच्छी नहीं है, अगर अपॉइंटमेंट में डिले है तो सर्विस अच्छी नहीं है, मेडिकल केयर इमरजेंसी वालों को नहीं दे रहा तो सर्विस अच्छी नहीं है, नंबर ऑफ मेडिकल स्टाफ शॉर्टेज अगर है तो सर्विस अच्छी नहीं है, कैंसल्ड या डिले ऑपरेशन है तो भी सर्विस अच्छी नहीं है. तो ये 5 है होंगे, तो आप पहले लिखेंगे कि आप कैसे एक्सेस टू सर्विसेज, मतलब क्या होता है, जो मेडिकल केयर हम दे रहे हैं, राइट, वो कितने लोग उसका फायदा उठा पा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है एक्सेस टू सर्विसेज. तो ये 5 तरीके से कर सकते हैं, राइट. मैंने आपको बोला, नोट्स में लिखा है, मैं आपको समझा रही हूं, लिखने में बड़ी बात नहीं है, आप ये सब लिख सकते हैं, मैं भी लिखाऊंगी तो वही लिखाऊंगी जो आपके पास लिखा है, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है, राइट. फिर एक्सेस टू सर्विसेज में हम पहला देखेंगे, पहला क्या है, डिले इन एडमिशन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स. फर्स्ट डिले इन, पहले एक्सेस टू सर्विसेस, ये किन वजह से हो सकता है, 5 वजह से हो सकता है, उसमें से पहला डिले, आपको यहां से स्टार्ट नहीं करना है, नोट्स में जैसा लिखा है वैसा स्टार्ट करना है, लेकिन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स
राइट तो अब आप देखिए एक्चुअल में टोटल इनपेशेंट्स कितने थे, इनपेशेंट्स मतलब जो एडमिट हुए, टोटल इनपेशेंट्स बजटेड 1,10,000, एक्चुअल 96,000 और लाइफलाइन का एक्चुअल 1,00,000, राइट। तो उसमें से नंबर ऑफ इनपेशेंट्स वेटिंग फॉर मोर देन वन वीक, वेटिंग फॉर मोर देन वन वीक बजटेड के हिसाब से कितने होने चाहिए, 1%। 1% कैसे, 1,100 डिवाइडेड बाय टोटल कितना, 1,10,000, राइट, इन 200। तो 1% होने चाहिए थे, उससे ज़्यादा नहीं, बट एक्चुअल में तो कितने, 2,880 डिवाइडेड बाय 96,000, एक्चुअल में तो कितने हैं, 3% है, राइट। और लाइफलाइन हॉस्पिटल के एक्चुअल में कितने, 500 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इन 200, इनके कितने हैं, 0.5%। और वही नंबर ऑफ इनपेशेंट्स वेटिंग फॉर मोर देन टू वीक्स 0% होने चाहिए था, पर कितने हैं, 960 डिवाइडेड बाय 96,000 इन 200, मतलब 1% है, और लाइफलाइन हॉस्पिटल के कितने हैं, 0% है। अब आप ये देखिए, 1% इनपेशेंट्स 1 वीक से ज़्यादा वेट नहीं करने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली 3% ऐसे पेशेंट्स हैं, और लाइफलाइन हॉस्पिटल में ऐसे सिर्फ 0.5% पेशेंट्स हैं। मोर देन 2 वीक्स 0% होने चाहिए थे, लेकिन 1% है, और लाइफलाइन हॉस्पिटल में ऐसे कोई पेशेंट्स नहीं हैं जो मोर देन 2 वीक्स वेट किए टू एडमिट होने के लिए, राइट। सो बजटेड अकॉर्डिंग टू बजट there should only be 1% patients waiting for admission for more than 1 week। ऐसे सिर्फ 1% पेशेंट्स ही होने चाहिए। मैम परसेंट क्यों निकाला, क्योंकि देखिए ये जो टोटल इनपेशेंट्स है इन पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, 1,10,000 आने चाहिए थे लेकिन 96,000 आए, ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन उसमें से किनको एडमिशन नहीं मिला ये हमारी गलती है, राइट। सो परसेंट निकालेंगे फॉर मोर देन 1 वीक, वाइल इट इज 3% इन एक्चुअल एंड इट इज 0.5% फॉर लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड पेशेंट्स वेटिंग फॉर मोर देन 2 वीक्स इज should have been zero % according to budget but it is 1% in actual and 0% for lifeline hospital, right? That means lifeline has more access of services than healthcare in respect of inpatients admissions delay, right? 1% बजट के हिसाब से होना चाहिए था मोर देन 1 वीक के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1%, लेकिन एक्चुअल में 3% है और लाइफलाइन का 0.5% है। मोर देन 2 वीक्स बजट के हिसाब से 0% होना चाहिए था और 1% है और लाइफलाइन का कितना है, 0% है, मतलब एक्सेस टू सर्विसेज किसका ज़्यादा बेटर है, लाइफलाइन हॉस्पिटल का रादर देन हेल्थ केयर हॉस्पिटल, राइट। नाउ नंबर सेकेंड इज डिले इन अपॉइंटमेंट, जो आउट पेशेंट्स है उनका डिले इन अपॉइंटमेंट, राइट। इसमें भी दो हैं,
मोर देन वन वीक, बजट, एक्चुअल और लाइफलाइन का एक्चुअल, और मोर देन टू वीक्स. अब हम देखते हैं, राइट. मोर देन वन वीक वेट करना कितने परसेंट पेशेंट्स को पड़ा, और मोर देन टू वीक्स कितने परसेंट पेशेंट्स को वेट करना पड़ा. ये देखिए, आउट पेशेंट्स मोर देन वन वीक 900 पेशेंट्स को वेट करना पड़ा. कितने में से? 1,10,000 में से. नहीं सॉरी, ये तो इन पेशेंट्स है, 90,000 में से. 900 पेशेंट्स को वेट करना पड़ा 90,000 में से. मतलब कितने परसेंट पेशेंट्स को वेट करना पड़ा? करना चाहिए था 1% पेशेंट को ही वेट बजट के हिसाब से वेट करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली कितने परसेंट पेशेंट्स को वेट करना पड़ा? 1900 डिवाइडेड बाय कितने पेशेंट्स है टोटल? 95,000 into 100. कितने परसेंट पेशेंट्स को वेट करना पड़ा? 2% पेशेंट्स को वेट करना पड़ा. बजट के हिसाब से 1% को वेट करना चाहिए था, 2% को वेट करना पड़ा. और लाइफलाइन में कितने परसेंट पेशेंट्स को वेट करना पड़ा? 465 डिवाइडेड बाय 93,000 into 100. मतलब 0.5% पेशेंट को ही वेट करना पड़ा. अभी मोर देन टू वीक्स तो 0% पेशेंट्स को. एक्चुअल कितने पेशेंट्स को वेट करना पड़ा? 475 डिवाइडेड बाय टोटल कितने पेशेंट्स आए? 95,000, राइट. मतलब 0.5% पेशेंट्स को वेट करना पड़ा, और लाइफलाइन के हिसाब से लाइफलाइन हॉस्पिटल में एक्चुअली 0% पेशेंट को वेट करना पड़ा फॉर मोर देन टू वीक्स, राइट. देखिए, मैंने आपके इसमें पहले इसमें पूरा टेक्स्ट लिखा कि ऐसा ऐसा इतने इतने परसेंट. अभी देखिए यहाँ पे मोर देन वन वीक 1% को ज़्यादा से ज़्यादा वेट करने पड़ना चाहिए था. एक्चुअल में 2% ऐसे पेशेंट्स है, और लाइफलाइन के एक्चुअल में ऐसे 0.5% पेशेंट्स है. टू वीक से ज़्यादा 0% होना चाहिए था, लेकिन 0.5% है. लाइफलाइन में ऐसे कोई भी पेशेंट्स नहीं है, राइट. तो आप बेसिकली देखिए कि यहाँ पे 2% पेशेंट एक्चुअली वेट करें फॉर मोर देन वन वीक, यहाँ 0.5%. मोर देन टू वीक्स यहाँ पे 0.5% वेट कर रहे हैं, यहाँ पे वेट नहीं कर रहे हैं. मतलब कि कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है? लाइफलाइन हॉस्पिटल, राइट. नाउ नंबर थर्ड, बताया मैंने आपको, पूरा सॉल्यूशन लिखा है, बस आपको समझना है कि करना क्या है. नंबर थर्ड देख रहे हैं अब हम. केस स्टडी सॉल्व ऐसे ही होती है कि आपको समझना चाहिए कि करना क्या है, राइट. नंबर थर्ड हमको क्या देखना है? डिले इन प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर. डिले इन प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर ऐसे 0% केसेस होने चाहिए थे कि कोई इमरजेंसी में आया है उसको फटाफट मेडिकल केयर दे, 0% केसेस होने चाहिए थे. लेकिन कितने हैं? 5 out of 600. यानी कितने परसेंट केसेस हैं ऐसे? 5 divided by 600 into 100. ऐसे 0.85 divided by 600 into 100. ऐसे 0.83% केसेस हैं, और लाइफलाइन में ऐसे एक भी केस नहीं है. बेसिकली मेडिकल केयर देना चाहिए इमरजेंसी में, क्योंकि इट कैन लीड टू डेथ, राइट. सो वहाँ पे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे लाइफलाइन में एक्चुअल में एक भी लापरवाही नहीं है. हमने 5 patients को डिले कर दिया मेडिकल केयर देने में, राइट. सो यहाँ पे देखिए, मेडिकल डिले इन मेडिकल केयर टू इन इमरजेंसी केसेस. तो बजट के हिसाब से तो ऐसे एक भी जन नहीं होना चाहिए था. एक्चुअल में 5 out of 600 लोग के साथ हमने ऐसा कर दिया, और एक्चुअल लाइफलाइन में कितना है? 0, राइट. सो डिले, तो अभी कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है? आप खुद बताइए, लाइफलाइन बेटर परफॉर्म कर रहा है, राइट. फिर उसके बाद सर्विसेज की बात आती है, तो हम फिर क्या देखते हैं? मेडिकल स्टाफ में शॉर्टेज, राइट. मेडिकल स्टाफ में शॉर्टेज है. यहाँ देखिए, 3 ऐसे होने चाहिए वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा जो मोर देन 1 month के लिए वैकेंट है, लेकिन 5 ऐसी वैकेंसीज है, लेकिन लाइफलाइन में ऐसी सिर्फ 1 वैकेंसी है, राइट. 5 वैकेंसी है जो 1 महीने तक फिल नहीं हुई, तो ऑफकोर्स हम बेटर सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, राइट. तो आपको एनालाइज करना है कि क्या यहाँ एम्प्लॉयर का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि 5 vacancies ऐसी होना 1 महीने तक नहीं भरी पॉसिबल नहीं है. तो आपको ये एनालाइज करना है कि यहाँ कोई एम्प्लॉयर का इशू है क्या. मेडिकल स्टाफ शॉर्टेज,
5 vacancies for more than 1 month. तो आपको देखना है कि यहाँ किसका कुछ प्रॉब्लम है क्या, एम्प्लॉयर का कुछ प्रॉब्लम है क्या, राइट? और यहाँ पे भी लाइफलाइन बेटर परफॉर्म कर रहा है हेल्थ केयर से. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसी सिर्फ 1 वैकेंसी है और आपकी एक्चुअल में 5 वैकेंसी है. आप बजट से गंदा तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, आप लाइफलाइन से भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं और आपका बजट भी इवन लाइफलाइन के एक्चुअल से बुरा है, राइट? सो अभी आप देखिए कैंसल्ड और डिले ऑपरेशन, कैंसल्ड और डिले ऑपरेशन 5 होने चाहिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 है. लाइफलाइन में ऐसे सिर्फ 6 केसेस हैं, राइट? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. नॉन क्लिनिकल यानी इक्विपमेंट रेडी नहीं है, राइट? या वो जो बेड्स है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, राइट? सो कैंसल्ड ऑपरेशंस या फिर डिलेड ऑपरेशन एक्चुअल में कितने हैं ऐसे? 20. बजट के हिसाब से कितने होने चाहिए थे? बस 5. और एक्चुअल किसका, लाइफलाइन का कितने हैं ऐसे? 6. तो यहाँ पे भी लाइफलाइन बेटर परफॉर्म कर रही है किससे? हेल्थ केयर से. इसके क्या वजह हो सकती है? इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, राइट? बेड्स अवेलेबल नहीं है, नर्सेज डॉक्टर्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है, राइट? तो बेसिकली एक्सेस टू सर्विसेज में हर जगह लाइफलाइन बेटर परफॉर्म कर रही है किससे? हेल्थ केयर हॉस्पिटल से, राइट? ये आपने देख लिया. इसमें आपको पूरा टेक्स्ट लिखना है. मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि हाँ इसके इतने हैं, 5 है, इसके 6 हैं, इसके इतने हैं, इसलिए ये बेटर है, राइट? यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयर का प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं होगा, बेड्स नहीं होंगे, राइट? ये आपको सब लिखना है. आपको नोट्स में दिया हुआ भी है, ये सब मैं लिखवा सकती हूँ, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं वही का वही लिखवाऊंगी, राइट? मैं वही का वही अगर लिखवाती हूँ तो ये आपका भी टाइम वेस्ट है. आप लिखने में ज्यादा ध्यान देंगे, वही का वही लिखवाऊंगी तो लिखने में ज्यादा ध्यान देंगे. आप समझिए, लिखा हुआ आपके पास है. क्लिनिकल परफॉर्मेंस, राइट? नाउ सेकेंड वन इज क्लिनिकल परफॉर्मेंस. आपने एक्सेस टू सर्विसेज देख लिया, अब आप देख रहे हैं क्लिनिकल परफॉर्मेंस. वेट अ मिनट. क्लिनिकल परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे ये देखते हैं. क्लिनिकल परफॉर्मेंस मतलब एक्चुअल जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं, क्लिनिकल मतलब मेडिसिन से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड. ये तो कौन सी सर्विस हो गई कि आपको कहीं ना कहीं बेड ही नहीं मिला, राइट? आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला, तो ये डॉक्टर की कहीं गलती नहीं है. ये बेसिकली हम जो सर्विसेज दे रहे हैं एज अ हॉस्पिटल स्टाफ, इन सब की गलती है. अब क्लिनिकल परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे? क्लिनिकल परफॉर्मेंस के लिए नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड रिलेटेड टू मेडिकल केयर, राइट? मेडिकल केयर से रिलेटेड कंप्लेंट्स. फिर नंबर ऑफ कंप्लेंट जो रिजॉल्व हो गई वो भी आप देखेंगे, राइट? इसी में इंक्लूड करके कि रिजॉल्व कितनी हुई. फिर नंबर ऑफ डेथ्स देखेंगे पोस्ट ऑपरेशन, नंबर ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस केस देखेंगे जो आपने लूज कर दिए, फिर नंबर ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स एंड नंबर ऑफ इन्फेक्शन आउटब्रेक्स विद इन द हॉस्पिटल. ये मेडिकल केयर से रिलेटेड है सारी चीजें. तो अभी देखिए फर्स्ट इसमें देखेंगे क्लिनिकल परफॉर्मेंस में. क्लिनिकल परफॉर्मेंस राइट, क्लिनिकल परफॉर्मेंस में पहला नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटेड टू मेडिकल केयर, और इसमें ये भी देखेंगे कि रिजॉल्व कितनी हुई. नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिजॉल्व, वो फर्स्ट पॉइंट ही है, राइट? सो नाउ कितनी कंप्लेंट्स है सबसे पहले तो ये देखते हैं.
टोटल कितनी कंप्लेंट्स है, 500 कंप्लेंट्स बजटेड थी, बजटेड था कि 500 रिजॉल्व हो जाएगी, 100% रिजॉल्व होगी ये बजटेड था, पर 1350 कंप्लेंट्स है, 1080 रिजॉल्व हुई, 1350 है उसमें से 1080 रिजॉल्व हुई, मतलब कितने परसेंट कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुई, 80%। लेकिन लाइफलाइन में कितने परसेंट कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुई, 550 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, मतलब यहाँ 91.66% कंप्लेंट्स क्या हो गई, मतलब 92% कंप्लेंट्स क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई, राइट। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड कितने, 500, बजटेड था 1350, एक तो 1350 कंप्लेंट्स रिसीव हुई, उनकी सिर्फ 600 रिसीव हुई, और कितनी रिजॉल्व हुई, 80% रिजॉल्व हुई हेल्थ केयर में, और लाइफलाइन में सिर्फ कितनी, लाइफलाइन में कितने परसेंट रिजॉल्व हो गई, 92%। तो बेटर कौन क्लिनिकल परफॉर्मेंस पे इस पॉइंट पे, लाइफलाइन हॉस्पिटल। देन सेकंड, नंबर ऑफ डेथ पोस्ट ऑपरेशन इन ऑल इन पेशेंट, नंबर ऑफ डेथ्स 4400 बजटेड थी, एक्चुअल में 2880 हुई, विच इज़ बेटर, दिस इज़ गुड इंडिकेशन, राइट, क्वालिटी का गुड इंडिकेशन। लेकिन लाइफ लाइन हॉस्पिटल तो और भी, एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स और भी कम है, राइट। नाउ नंबर ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस केस लॉस्ट, दो बजटेड था कि दो लॉस हुए होंगे, लेकिन एक्चुअल लॉस कितने हुए, 5। इससे ये पता चलता है कि आपकी जो क्वालिटी है, क्लिनिकल केयर की क्वालिटी है, वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तभी नेग्लिजेंस का केस लूज किया, लेकिन लाइफलाइन ने केस लूज नहीं किया, ऐसा कोई मतलब वहां पे क्वालिटी का क्वेश्चन नहीं आया। नंबर ऑफ इन्फेक्शन 2 हुए, लाइफलाइन में नहीं हुए। एरर इन प्रिस्क्रिप्शन 45, दिस अ लार्ज अमाउंट, और वहां पे कितना, लाइफलाइन में सिर्फ 10, मतलब बेसिकली क्लिनिकल परफॉर्मेंस में भी लाइफलाइन हॉस्पिटल आपसे क्या है, बेटर परफॉर्म कर रहा है, राइट। देखिए अब आप, राइट, क्लिनिकल परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटेड टू मेडिकल केयर, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिजॉल्व, नंबर ऑफ कंप्लेंट रिजॉल्व, हेल्थ केयर हॉस्पिटल 80%, लाइफलाइन हॉस्पिटल 92%। ऑफकोर्स किसका परफॉर्मेंस बेटर है, लाइफलाइन का। नाउ नंबर सेकेंड, नंबर ऑफ डेथ्स पोस्ट ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन बजट कितना था, बजट के हिसाब से कितने डेथ्स, 4440 समथिंग, राइट। और 2880 एक्चुअल में डेथ्स हुई, मतलब बेटर है, क्वालिटी अच्छी है हमारी क्लिनिकल केयर की, लेकिन लाइफलाइन में तो एक्चुअली कितनी डेथ हुई है, सिर्फ 2000 ही हुई है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी वो कितना हमसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, हमने अपना बजट ही इतना खराब सेट किया है, दैट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, हम अपना एक्चुअल और उनका एक्चुअल सेट कंपेयर करें तो वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं हमसे, राइट। सो देखिए, नंबर ऑफ डेथ्स पोस्ट ऑपरेशन बजट के हिसाब से 4400, एक्चुअल कितनी हुई डेथ्स, 2880, और लाइफलाइन की एक्चुअल कितनी हुई डेथ्स, 2000, मतलब हमारी क्वालिटी तो क्या है, गुड इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी है ये, लेकिन फिर भी आप देखिए ये हमसे बेटर ही परफॉर्म कर रहे हैं लाइफलाइन हॉस्पिटल। देन नंबर थर्ड, नंबर ऑफ नेग्लिजेंस केस लॉस्ट, ऐसे कितने नंबर ऑफ केस है जो हमने लॉस किए हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के, बजट के हिसाब से ऐसे 2 केसेस होने चाहिए, एक्चुअल में ऐसे कितने केसेस हुए, 5, और लाइफलाइन का एक्चुअल में ऐसे कितने केसेस हैं, 1 भी केसेस नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारी क्वालिटी क्या है, क्वेश्चनेबल है, और लाइफलाइन हमसे क्या कर रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है। देन विल सी errors in prescription drugs, errors in prescription drugs भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, actual कितने हैं, 45 हैं, right, और lifeline के actual कितने हैं,
लाइफलाइन के एक्चुअल हैं कितने? जीरो केसेस, सॉरी 10, 10 है नंबर ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स, कितने? 10. तो मतलब यहाँ पे भी वो हमसे क्या कर रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है. तो एक्सेस ऑफ सर्विसेज में भी लाइफलाइन हॉस्पिटल हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस में भी क्या कर रहा है, वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है. देन व्हाट विल सी? इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन. थर्ड विल सी इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन. पहले हम ये क्लिनिकल परफॉर्मेंस पूरा कंप्लीट कर लें, एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स, उसके बाद क्या है, इन्फेक्शन ब्रेकआउट, राइट? एक्चुअल 10, फिर ये हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है ऑफ कोर्स, फिर इन्फेक्शन ब्रेकआउट, हमारा कितना है एक्चुअल 2 है और उनका कितना है 0 है लाइफलाइन का. मतलब हम बेसिक हाइजीन नहीं रख रहे हैं, राइट? ये हमारी हाइजीन को क्वेश्चन कर रहा है. ये क्या है, अगर हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स गलत दे रहे हैं तो ये क्या है, बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस है. नाउ इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन. इफ़िशियंसी ऑफ ऑपरेशन में क्या मतलब, हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं उसमें इफ़िशियंसी हमारी कितनी है और लाइफलाइन हॉस्पिटल की कितनी है, ये देखना है हमको. तो ये कैसे देख सकते हैं, बेड ऑक्यूपेंसी रेट, राइट? एवरेज पेशेंट स्टे, राइट? नंबर ऑफ डेज जितना पेशेंट रुक रहा है वो, ऑपरेटिंग थिएटर का यूटिलाइजेशन रेट, इन सब के बेसिस पे हम क्या इफिशियंसी देख सकते हैं किसकी, ऑपरेशन की. किस किस बेसिस पे, क्या बोलते हैं, बेड ऑक्यूपेंसी रेट मतलब टोटल बेड में से कितने बेड ऑक्यूपाई हुए उसका रेट, फिर उसके पास ऑपरेशन थिएटर का यूटिलाइजेशन रेट, ऑपरेशन थिएटर कितना परसेंट यूटिलाइज हुआ, उसके बाद नंबर पेशेंट का कितने दिन का स्टे है, ऑन एन एवरेज हर एक पेशेंट कितने दिन रुक रहा है, राइट? इससे क्या होगा, इफिशियंसी पता किसकी चलेगी, ऑपरेशन की. सो बेड ऑक्यूपेंसी रेट देखिए, 90% एक्सपेक्टेड था, 85% है और लाइफलाइन का कितना है, 94% है. एवरेज पेशेंट डे कितने, 4 एक्सपेक्टेड थे, 6 है और लाइफलाइन के कितने, 5 है. देखिए पेशेंट का स्टे बढ़ने से ऑक्यूपेंसी रेट तो कम हुआ, लेकिन आप खुद सोचिए, कनेक्ट करिए कि जब ये आउट इन पेशेंट्स की वेटिंग है, इन पेशेंट्स की मोर देन 1 वीक की वेटिंग है, मोर देन 2 वीक की वेटिंग है, जब ऑक्यूपेंसी रेट सिर्फ 85% है तो वो वेटिंग क्यों है, राइट? कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच, जबकि लाइफलाइन का ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, काफ़ी अच्छा है, राइट? हमारा भी हो सकता है क्योंकि हमारा तो वेटिंग ही इतना है, हमारा भी अच्छा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है. ऑपरेशन का यूटिलाइजेशन रेट 95% 90% 95%, मतलब एक्चुअल हमारा कितना है, 90% है, राइट? तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जिसको ऑपरेशन नीडेड है उसको ऑपरेशन करेंगे, लेकिन आप देखिए ऑपरेशन थिएटर का यूटिलाइजेशन रेट तो 90% है और वहां जब हम देख रहे हैं तो ऑपरेशन थिएटर में डिले हो रहा है, राइट? डिले इन ऑपरेशन या फिर कैंसिलेशन ऑफ ऑपरेशन हो रहा है और यहाँ ऑपरेशन थिएटर का यूटिलाइजेशन रेट 90% ही है, राइट? तो इस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि ये किस वजह से हो रहा है, राइट? सो फर्स्ट इज बेड ऑक्यूपेंसी रेट. बेड ऑक्यूपेंसी रेट इट इज 85% एक्चुअल वाइल बजटेड
is 90%, right? लाइफलाइन का एक्चुअल कितना है 94%. ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ लाइफलाइन हॉस्पिटल कितना है 94%. अब आप देखिए एक्चुअल में 85% ऑक्यूपेंसी है, जबकि ऑक्यूपेंसी इज 85% वाइल डिले इन एडमिशन मोर देन 1 वीक एंड मोर देन 2 वीक्स आर देयर. डिले है एडमिशन में और जबकि ऑक्यूपेंसी रेट सिर्फ कितना है 85%. सो कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स शुड बी इम्प्रूव्ड, राइट. यहाँ पे भी इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन किसकी बेटर है, लाइफलाइन हॉस्पिटल की बेटर है. और ऑक्यूपेंसी रेट इसीलिए भी कम हो सकता है क्योंकि पेशेंट का स्टे कितना है 4 डेज बजटेड था और अभी क्या है 6 डेज है. ये तो ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए ना कि वहाँ पे वेटिंग है 1 वीक 2 वीक की, आपको बेड्स नहीं मिल रहे हैं और ऑक्यूपेंसी रेट सिर्फ 85% है जबकि लाइफलाइन का 94% है. यहाँ पे भी वो क्या हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है. फिर उसके बाद एवरेज पेशेंट डेज 4 बजटेड है और एक्चुअल में कितने 6 डेज हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बेड का कंस्ट्रेंट नहीं है, सिर्फ 85% ही ऑक्यूपेंसी है, कोई कंस्ट्रेंट बेड का नहीं है. ऑपरेशन थिएटर यूटिलाइजेशन में आप देखिए बजटेड कितना है, बजटेड है 95% और एक्चुअल कितना है सिर्फ 90%, और लाइफलाइन का एक्चुअल कितना है 95%. मतलब वहाँ पे भी वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है जबकि यहाँ पे कैंसल्ड और डिलेड ऑपरेशन है, राइट. कैंसल्ड और डिलेड ऑपरेशन है फिर भी यूटिलाइजेशन जब है ही नहीं, राइट. 100% है ही नहीं, सिर्फ 90% है, 95% भी नहीं है, तो कैंसल या डिलेड ऑपरेशन क्यों है, इस पे भी ध्यान दिया जाए. तो बेसिकली आप अगर देखें तो जो ऑपरेशनल इफिशियंसी के हिसाब से भी, इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से भी लाइफलाइन हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है. फिर और कौन से दो चीज़ है, फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड इनोवेशन. तो अब हम देखते हैं ये दोनों, फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड वॉट इनोवेशन. तो फिनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से आप देखिए कि आपका सरप्लस कितना होना चाहिए था, बजट के हिसाब से आपका सरप्लस कितना होना चाहिए था, आपके रेवेन्यू ग्रांट को मिला के 15 और कॉस्ट 12, तो 3 करोड़ होना चाहिए था, जबकि सिर्फ कितना है 1 करोड़ ही आपका सरप्लस है. और लाइफलाइन हॉस्पिटल का सरप्लस कितना है 4 करोड़. आपका ROI 8% होना चाहिए था, सिर्फ 5% ही है, जबकि लाइफलाइन हॉस्पिटल का कितना है 9%. मतलब कहीं ना कहीं हम फंड्स का क्या कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं, राइट. हम क्या कर रहे हैं, फंड्स का वेस्टेज कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करना चाहिए. उसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में, इनोवेशंस के. तो इनोवेशंस के बारे में हम देखें तो रिसर्च पब्लिकेशन 5 पब्लिश होनी थी, 3 ही पब्लिश हुई, राइट. और यहाँ पे स्टाफ ट्रेनिंग, तो ठीक है स्टाफ ट्रेनिंग इनोवेशन से नहीं, लेकिन एक्सपर्टाइज जो अपडेटेड रहने के लिए ज़रूरी है वो ठीक है, 500 नीडेड थी, 500 हुई, लेकिन लाइफलाइन की कितनी है 600 है. रिसर्च पब्लिकेशन भी लाइफलाइन के क्या है, हमसे ज़्यादा है. सो बेसिकली ऑल इन ऑल लाइफलाइन हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है. तो अगर हमको ग्रैंड चाहिए है, राइट, तो हमको गियर अप होना है, हमको बेटर परफॉर्म करना है 5ों ही एस्पेक्ट्स में, एक्सेस टू सर्विसेज, राइट. फिर उसके बाद जो क्लिनिकल परफॉर्मेंस है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, फिनेंशियल मैनेजमेंट है, या फिर क्या है हमारा इनोवेशन, सब में हमको क्या करना है, बेटर परफॉर्म करना है. फिनेंशियल मैनेजमेंट में भी देखो आपका सरप्लस कितना होना चाहिए था,
15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 क्रोर्स होना चाहिए था, और एक्चुअल में कितना सरप्लस हुआ आपका, 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1 करोड़, और लाइफ लाइन का एक्चुअल सरप्लस कितना हुआ, 16 माइनस 12 मतलब कितना, 4 करोड़ उसका सरप्लस हुआ, मतलब वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर आरओआई भी देखें तो हमारा बजटेड कितना होना चाहिए था, 8% होना चाहिए था, सिर्फ 5% है, और लाइफ लाइन का कितना है, 9%, मतलब वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इनोवेशंस भी देखेंगे तो जो वो पब्लिकेशंस है हमारी कितनी होनी चाहिए, पब्लिकेशंस होनी चाहिए थी 5, और एक्चुअल में हमारी सिर्फ कितनी पब्लिकेशन पब्लिश हुई, 3, और लाइफलाइन की कितनी, एक्चुअल में 6, तो वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। वहीं आप ट्रेनिंग्स आज देखेंगे तो 500 होने चाहिए थे, 500 है, लेकिन उसके 600 है लाइफलाइन के, तो यहाँ भी वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली ऑल इन ऑल सारे हेड्स में लाइफलाइन हॉस्पिटल हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। हमको क्या करना है, बेसिकली देखना है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे बेड ऑक्यूपेंसी रेट हमारा कम है लेकिन वेटिंग है, ऑपरेशन थिएटर पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ लेकिन ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं, राइट? जैसे जो हमारे स्टाफ है, 5 वैकेंसी है फॉर मोर देन 1 मंथ, तो हमको देखना है क्या एम्प्लॉयर में कुछ प्रॉब्लम है, राइट? क्योंकि इतना तो खाली नहीं रहना चाहिए, 1 महीने तक वैकेंसी इज टू मच, राइट? फिर उसके बाद आपको देखना है कि हाइजीन है या नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन ब्रेकआउट हुआ था, कंप्लेन रिजॉल्व क्यों नहीं हो रही है, मेडिकल नेग्लिजेंस क्यों हो रहा है, एरर्स क्यों आ रहे हैं, राइट? ये आपको सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस स्कोर कार्ड हाउ विल यू कैटराइज द अबव परफॉर्मेंस मेजर्स। कैसे कैटेगराइज करेंगे परफॉर्मेंस मेजर को, तो देखिए सबसे पहला कौन सा, कस्टमर पर्सपेक्टिव, राइट? तो अभी वहां जाके देखते हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 हैं, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव, देन लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव एंड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो पहला हम देखेंगे कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, इसमें कौन सा आएगा, जो एक्सेस टू सर्विसेज है, एक्सेस टू सर्विसेज और क्लिनिकल परफॉर्मेंस, ये क्या है, कस्टमर पर्सपेक्टिव। ऑफकोर्स दिस अफेक्ट्स कस्टमर्स। देन सेकेंड इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव, तो कौन सा वाला, मेजर्स यूज टू डिटरमाइन इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशंस, राइट? क्योंकि 85% ऑक्यूपेंसी रेट है, इससे कोई मतलब नहीं है कस्टमर को, लेकिन एक्सेस टू सर्विसेज मतलब हमको वेट करना पड़ रहा है, उससे मतलब है कस्टमर को। क्लिनिकल परफॉर्मेंस यानी आप मेडिकल नेग्लिजेंस कर रहे हैं, आप ड्रग्स के प्रिस्क्रिप्शन में, राइट, क्या कर रहे हैं, मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन में एरर कर रहे हैं, उससे मतलब है कस्टमर को। इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव में ऑपरेशन की इफिशियंसी कितनी है, उससे मतलब है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डिटेल्स ऑफ सरप्लस जनरेटेड एंड आरओआई, मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सेक्शन है। फिर लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, तो ये इनोवेशन वाला जो भी है, मतलब कौन सा, पब्लिकेशंस एंड ट्रेनिंग। देखिए 5 चीजें थी, एक्सेस टू सर्विसेज था, क्लिनिकल परफॉर्मेंस था वो कस्टमर पर्सपेक्टिव, राइट? फिर इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन था वो इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव, फिर क्या था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब सरप्लस एंड आरओआई वो फाइनेंशियल परफॉर्म, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है भैया,
ठीक है, फिर लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में कौन सा, इनोवेशन, पब्लिकेशन एंड ट्रेनिंग. सो दिस वॉज इट. ईजी है, आपको बेसिकली कंपेयर करना है, देखना है या कहाँ गलती है, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं. टेक्स्ट में आपको लिखा हुआ अभी है पूरा अच्छे से. सो दिस वॉज इट अ केस स्टडी. आ सकती है ये ज़्यादा मार्क्स की, ईजी भी है. कोई भी डाउट हो फील फ्री टू अस. बाय बाय.